न्यूज की तरफ से सबों को जोहार। आइए मिलते हैं क्षेत्र के जाने माने और झारखंड पार्टी से सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से हम लोग कांग्रेस से पार्टी से जुड़े हुए थे और उससे एमएलए भी थे, लेकिन ये महसूस हम लोगों ने किया कि जो यहाँ के आदिवासियों के जो सवाल हैं और यहाँ के मूलवासियों के जो सवाल हैं, उस पर कांग्रेस पार्टी या बीजेपी पार्टी जो है मौन रहती है और हमारे हक में कोई काम नहीं करती है। इसलिए हमने झारखंड पार्टी चुना है, चूंकि ये माटी का पार्टी है। ये बीजेपी, जेएमएम, जेबीएम और आजसू जैसे पार्टी से पुराना पार्टी है, इसलिए हमने तय किया है किसी पार्टी से झारखंड का भला हो सकता है। अच्छा, चुनाव में आपके मुद्दे क्या हैं? देखिए, चुनाव में मुख्य रूप से हमारा जैसे आदिवासियों के लिए जो सरना धर्म कोर्ट का मामला है, ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं हमारे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है हमारा धर्म कोड 1871 से 1951 तक हमारा धर्म कोड था और 61 में उन्होंने हटा दिया। अच्छा। और बीजेपी जैसे पार्टी सरना सनातन ही कहकर हमारा धर्म कोड को मान्यता नहीं देना चाहती, तो इसलिए ये हमारा जो देश के 14 करोड़ आदिवासियों के लिए हम अलग धर्म कोड का मुद्दा पहला है। अच्छा। दूसरा जो है यहाँ के जो स्थानीय नीति जो बने हैं, इसका हम रद्द करने की मांग करते हैं और नया स्थानीय नीति बने जिसमें यहाँ जो 9 भाषा है, संथाली, कुड़ुक, मुंडारी, हो और खड़िया, और 4 क्षेत्रीय भाषा है, नागपुरी, कुरमाली, खोरठा और 5 परगनिया, ये 9 भाषा को नौकरी का नियुक्ति में अनिवार्य शर्त बनाया जाए कि ये 9 भाषा जानने वाले ही यहाँ के BDO, CO, दरोगा, मास्टर, सिपाही सब बन सके, ताकि स्थानीय लोगों को यहाँ नौकरी मिल सकेगा। तीसरा जो मेरा मुद्दा है किसानों को लेकर, क्योंकि आज तक बीजेपी और कांग्रेस किसानों के सवाल पर चुप रहती है, तो यहाँ हम लोग का मांग ये है कि किसानों का उत्पादित मूल्य का सरकार जो है 2 गुना दाम तय करे, ऐसा हम लोग मांग कर रहे हैं, और किसानों के लिए जो है मुफ्त में बिजली और पानी दे, खाद, बीज और दवाई जो है सब्सिडी पर उपलब्ध कराए, ये हमारा तीसरा मांग है। चौथा जो है, हम चाहते हैं कि इस देश में या राज्य में समान शिक्षा लागू हो, यहाँ जो है अमीर के लिए अलग शिक्षा, गरीब के लिए अलग शिक्षा, इससे जो है लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा और गरीब लोग कभी भी मुख्यधारा में नहीं जुड़ पाएंगे। इसलिए जैसे अन्य देशों में या राज्य में है इस तरह का कानून कि एक देश एक कानून एक शिक्षा का नीति, तो यहाँ समान शिक्षा नीति लागू हो, ये हमारा मुख्य मुद्दा है। और एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि झारखंड में करीब 40% खनिज पदार्थ जो है झारखंड में मिलता है, उसके बाद यहाँ के लोग गरीब हैं, यहाँ के लोग अशिक्षित हैं, तो हम लोग ये प्रयास करेंगे कि हमारा इतना अमीर धरती है और इतना लोग गरीब हैं, कैसे वो मुख्यधारा में आए, इसके लिए हम लोग जो है मुख्य प्रयास करेंगे। अच्छा, देखिए, हार जीत का फैसला तो जनता जनार्दन करती है, अगर आप चुनाव जीतते हैं तो आपकी प्राथमिकता क्या होगी? हमारी प्राथमिकता होगी कि जो यहाँ के जो बेरोजगार हैं, जो शिक्षित बेरोजगार लोग हैं, उनको कैसे रोजगार मिले, वो अपने स्वावलंबी वो कैसे बने, ये हमारा मुख्य मुद्दा होगा। दूसरा जो है हमारा जैसे आदिवासियों का जमीन पर काफी विस्थापन का सवाल है, लूट हो रही है, इसकी सुरक्षा जो है हम कैसे करें, हमारी बेटी बहन का जो है उनकी जो है इज्जत की रक्षा माने उसकी सुरक्षा कैसे हम लोग करें, ये तमाम मुद्दा, शिक्षा, किसान के मुद्दे जो बोले, इसी मुद्दे को लेकर हम लोग जो है क्षेत्र में काम करेंगे और उस शैक्षणिक रूप से कैसे वो आगे आए, आर्थिक रूप से कैसे वो आगे आए और अपना जीवन जो है खुशहाल कैसे रखे, इसी पर हम लोग मुख्य रूप से काम करेंगे। एक बात और पूछूंगा धान जी, इस लोहरदगा संसदीय क्षेत्र में आपकी दृष्टि में क्या होना चाहिए था, क्या हुआ और क्या नहीं हो पाया? देखिए, जो यहाँ जो भी MP रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस का या बीजेपी का, वो कल
पार्टी के सिंबल से जीत के आए और 5 साल तक ऐश मौज किए और चले गए। उस जनता के सुख दुख से उनको कोई लेना देना नहीं रहा है। तो ये लोकतंत्र में अगर जो मुख्य रूप से रक्षक होते हैं कानून के या विकास के प्रदर्शक होते हैं एमएलए और एमपी, तो उनको सजग होना चाहिए। हम लोग निश्चित रूप से वो लोग जो किए वो हम लोग नहीं करेंगे और हम लोग जो है जनता के बीच में रहेंगे। विगत 10 वर्षों से सुदर्शन भगत सांसद, आप उनके कार्यों के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सुदर्शन भगत के कार्यों के बारे में क्या बोलेंगे, उनका तो वो तो सुदर्शन नहीं दूरदर्शन हो गए हैं, उनका तो नाम तक लोग नहीं जानते हैं, तो काम का तो बात क्या करेंगे। जो बहुत सारी जगह में वो कौन एमपी है उसको भी लोग नहीं जानते हैं।